भगवान जगन्नाथ और माँ लक्ष्मी की कहानी से तीन पावरफुल मैसेजेस फॉर डेली लाइफ। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डीकोडिंग माँ लक्ष्मी सीरीज के एपिसोड 6 में। एक दिन माँ लक्ष्मी जगन्नाथ जी को कहती है कि मैं आज अपने सब भक्तों के घर जाऊंगी। वो एक व्यापारी के घर पहुंचती है जहां गंध मचा हुआ होता है और व्यापारी अपनी पत्नी से लड़ रहा होता है। वो बाहर से वापस चली जाती है। फिर वो एक निम्न जाति की औरत के घर जाती है और देखती है कि घर बहुत साफ सुथरा है और वो अपने पति के साथ प्रेम पूर्वक बैठी है। माँ लक्ष्मी खुश होकर उसी समय उसके हालात बदल देती है। पहला मैसेज, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। जहाँ स्वच्छता वहाँ माँ लक्ष्मी। भगवान जगन्नाथ और बलराम माँ लक्ष्मी को मंदिर से निकाल देते हैं क्योंकि वो निम्न जाति के घर गई। माँ लक्ष्मी ना ही उन्हें कोई एक्सप्लेनेशन देती है और ना ही उनके आगे हाथ जोड़ती है। वो विश्वकर्मा जी की मदद से अपना एक घर बनवाती है और उसमें रहती है, जो दर्शाता है वुमेन एम्पावरमेंट और इंडिपेंडेंट वुमेन के कॉन्सेप्ट को। माँ लक्ष्मी के जाने के बाद भगवान जगन्नाथ और बलराम की आर्थिक और शारीरिक हालत खराब हो जाती है और वो हाथ जोड़कर माँ लक्ष्मी को वापस बुलाते हैं, जो इंडिकेट करता है एक इम्पोर्टेंट हिंदू फिलॉसफी, नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते तत्र वसन्ते देवता। अर्थात माँ लक्ष्मी मतलब वेल्थ और प्रोस्पेरिटी वहाँ रहती है जहाँ औरत की रिस्पेक्ट होती है। ऐसी और बहुत सी कहानियाँ डीकोडिंग माँ लक्ष्मी सीरीज के माध्यम से जानने के लिए फॉलो जरूर करें।